जैसा कि बोर्ड पे आप टॉपिक को पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का जो लेक्चर होगा या सजेशन इसको माने या एक एडवाइस पढ़ाने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप तैयारी कैसे करें और आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे कि हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है और हम उसमें कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बात पर बच्चे फोकस करते हैं। उससे होता क्या है कि फ़ोन पर जिससे वो पूछते हैं उनका भी समय बर्बाद होता है, लॉस इसको बोल सकते हैं, और बच्चे भी सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए इस सेशन या इस वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि उन बच्चों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले पाए। ठीक है, और इससे इन्फॉर्मेशन लें तो सबसे पहले हम लोग एमसीए में मेन एग्ज़ाम निमसेट के बारे में बात करेंगे। निमसेट को मेन एग्ज़ाम क्यों बोला जाता है, इसके बहुत ही काफ़ी सारे कारण हैं। एक कारण है इसका सिलेबस। दूसरा कारण है एनआईटीज, ठीक, कॉलेज, ठीक है। तीसरा रीज़न है कि कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी हैं। देखा जाए तो और बड़ा एग्ज़ाम होता जा रहा है, अगर इसी ट्रेंड पर बढ़ते रहे तो हो सकता है कि और भी यूनिवर्सिटीज़ अगर पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी एक एग्ज़ाम, एक बड़े लेवल पे एग्ज़ाम माना जाता है, वैसे ही निमसेट को भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। यहाँ पे 11 एनआईटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, 867 सीट्स हैं। और निमसेट का एक क्राइटेरिया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड रहते हैं। एग्ज़ाम में 12th और 10+2 लेवल बोले, आप उसको 12th बोलें या 10+2 लेवल बोले, ठीक है। एक बोले 10+2+3 लेवल या ग्रेजुएशन, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बीएससी या बीएससी है, ग्रेजुएशन मतलब 10+2+3 लेवल। किसी भी एग्ज़ाम में जो एमसीए एग्ज़ाम है यहाँ पर इस लेवल पर और इस लेवल पर, ठीक, क्राइटेरिया लगे होते हैं, आपको यहाँ पे चेक करना होता है। तो निमसेट में परसेंटेज का क्लियर कट बोल रहे हैं, परसेंटेज का 12th लेवल पर नो बाउंडेशन है, और यहाँ पर मिनिमम 60% होना चाहिए। 10+2+3 लेवल मतलब ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, ठीक। अभी 60% होना चाहिए जो पास आउट है, किन के लिए, जो पास आउट हैं और जनरल में है, किसमें है, जनरल कैटेगरी में, बात को ध्यान रखते रहने वाला, ठीक है। पास आउट के लिए 60%, क्योंकि वो पास हो चुके हैं, मार्कशीट उनके पास आ चुकी है, ठीक है। मार्कशीट आई या ना आई हो, बट वो मान के चल रहे हैं कि अगर आपका ईयर निकल चुका है इसका मतलब आप पास आउट हो चुके हैं, आपकी मार्कशीट में 60% होने चाहिए एट द टाइम आप एग्ज़ाम जब भर रहे होते हैं तो वहाँ पर मार्कशीट अपलोड कराते हैं, ठीक। बट अपेयरिंग वाले जो बच्चे कौन से हैं, अपेयरिंग मतलब थर्ड ईयर में, अपेयरिंग का मतलब क्या है, जिनका अभी थर्ड ईयर चल रहा है उनके लिए परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। जो अपेयरिंग में उनके 60% हों सेकेंड ईयर तक या ना भी हूँ, ठीक है, नो बाउंडेशन, बात को समझें। वो सारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनको क्या करना होगा कि जितने भी अगर थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट को अपलोड करना होगा, ठीक। एक प्रोसेस है निमसेट का, निमसेट में वो हर लेवल की मार्कशीट को अपलोड करवाते हैं एकदम क्लियर, ठीक है, स्कैन होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनके पास रजिस्ट्रेशन है अपियरिंग वालों का,
काउंसलिंग के टाइम पर और कुछ समय और देते हैं कि आप वो काउंसलिंग तक आपको छोड़ते हैं। ठीक, तो बात क्लियर हुई। जो पास आउट है उनके लिए 60% चाहिए कहाँ पर, 10+2+3 लेवल पे, 12th में कोई भी परसेंटेज नहीं। अब कैटेगरी, हमने अभी बात किसकी की, अब कैटेगरी में कैटेगरी की बात कर, ओबीसी नहीं, ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं। हाँ, ओबीसी वाले जनरल में ही काउंट होना है। ठीक है, एससी और एसटी इनके लिए 55% चाहिए, कितना चाहिए 55%। ओके, तो परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया। कौन सा अभी बात की हमने, परसेंटेज का, नो बाउंडेशन एंड 12th। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 12th में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले हुआ करता था। तो अगर कहीं आप लिंक में देखते हैं तो कन्फ्यूजन क्यों आता कि बहुत सारी सब लिंक्स होती हैं, तो जब भी आप सर्च करें तो ऑफिशियल साइट पर करें या रिलायबल वेबसाइट पर देखें। ठीक है, जो अपडेट होती रहती है। बहुत पहले निमसेट में 12th पे भी मांगता था, हो तो सकता कि वो डेटा पड़ा हो तो आपको कन्फ्यूजन आ जाए। ठीक, तो 12th पे कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज बाउंडेशन है, वो हमने बता दिया। बाकी और भी है कि शायद मैंने बोला कि एज ए हम देखें तो मैथ्स का टीचर है, एज एम क्या है, मैथ्स का टीचर है, तो वहाँ पर हम 100% 2+2 4 करने में एकदम एक्सपर्ट हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बारी रिकमेंडेशन आई तो मुझे लगा कि जो निमसेट काउंसलिंग जो यहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं, जो काउंसलिंग को में रहते हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनके रिकमेंडेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी त्रुटि होती आती है तो आपको मेन उसके नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको परसेंटेज अबाउट सारी बातों में बता पाएँ। ठीक, दूसरी बात, एक और कन्फ्यूजन है कि बीए वाले, बीएससी वाले, बीसीए वाले, बीकॉम वाले। ठीक है, तो बीकॉम वाले बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कॉमर्स साइड वाले फ़ोन करते हैं कि हम एमसीए निमसेट का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो एक बात ध्यान दें, उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है कि 12th में, 12th में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द, आप किसी भी चीज़ से करें। ठीक है, कोई भी आपका ग्रुप रहा हो, साइंस ग्रुप कुछ भी, बट मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कहीं ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि यहाँ पर मैथ्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 12th में मैथ्स लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन बस। ग्रेजुएशन आप उसमें लिखता है कि 10+2+3 लेवल 60% होना चाहिए, कहीं ऐसा साइंस, कहीं ऐसा बीसीए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो बीकॉम वाले भी भर सकते हैं, बीए वाले भी भर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि बीए वाले भी क्या हैं, एलिजिबल हैं अगर उनके पास 12th में क्या है, मैथ्स। ठीक, एक और तरीका है कि अगर 12th में मैथ्स नहीं थी, 12th में जिनके पास मैथ्स नहीं है जो बता रहे हैं, वो सिंगल सब्जेक्ट से अप्लाई करें 12th के लिए। किसके लिए, अगर वो सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट में वो पास कर लेते हैं, पहले लिए आप पास कर लीजिए तो आप फिर एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो परसेंटेज बाउंडेशन ये आपको बता दिया, मैथमेटिक्स ठीक है कब जरूरी है, तो मैंने बोला कि 12th में मस्ट है। ठीक, ग्रेजुएशन में बीए वाले भी कर सकते हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि बीएससी कर रहे हैं, बहुत बार आप पूछते हैं बीएससी कर रहे हैं और लास्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में, तो अगर मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं तो क्या हम निमसेट या किसी एमसीए के एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप बीएससी कर रहे हैं, लास्ट ईयर में आप मैथ्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू ड्रॉप, ठीक है, इन थर्ड ईयर। बीएससी वाले बच्चे थर्ड ईयर में मैथ्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ले या ना ले इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब प्रैक्टिकली जो बात हमने यहाँ पिछली बार या उससे पहले बच्चों में करवाई है उसको याद मेमोरी पे बेस्ड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे साथ बच्चों के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो उनका ड्रॉप करवाया गया, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री ली गई या कोई और सब्जेक्ट लिया गया, मैथ्स नहीं थी, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक, तो यहाँ पर
इतनी बातों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है नेम सेट को लेकर। कोई और कन्फ्यूजन अगर आता है तो आप उस पर वहाँ पर लिखिए, उसको भी हम लोग वहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक, एक और कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि जिन बच्चों के 60% नहीं है, 10+2+3 लेवल। देखिए 10+2+3 लेवल इसलिए बोल रहा है कि इसमें बीसी वाले, बीएससी वाले, बीए वाले सारे बच्चे इसमें आ गए। यहाँ पे अलग से गाइडलाइन नहीं देनी पड़ रही, ठीक है, मतलब 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन। ठीक, 60% नहीं है, दे हैव नॉट 60% इन दिस लेवल। ठीक, या तो बहुत कंफ्यूज है वो, ठीक है, तो बार बार वो फ़ोन करते हैं तो अपने आप को खुद परेशान करते हैं, खुद परेशान रहते हैं, मुझे लगता है वो तैयारी नहीं करना चाहते मगर परेशान करते हैं। ठीक, कहीं फंसे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि 60% नहीं है तो बहुत सारी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू आपके पास यूनिवर्सिटी है, बीएचयू आपके पास है, जामिया है, तेजपुर है, पुणे है आपके पास। हैदराबाद को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे कि वो निमसेट में चली गई, SBDI भी निमसेट में चली गई तो निमसेट की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमने अभी गिनाई, ये सब 50% या 55% मांगती हैं। ठीक है, अब बात आई कि सबके अंदर निमसेट का क्रेज़ है, तो निमसेट का क्रेज़ इसलिए बताया जाता है कि निमसेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर आपकी रैंक 50 की बजाय 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, ठीक है, थोड़ा सा पेपर बिगड़ भी गया, आप 400 के अंदर हैं, फिर भी एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 48 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें भी सब रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक, OBC के लिए, SC ST के लिए, तो जनरल के लिए बहुत फाइट हो जाती है, उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना टफ हो जाता है देखा जाए। ठीक, मगर आप सही से अगर एनालिसिस करें उन बच्चों के लिए, अगर सही से एनालिसिस करें तो पहले, अभी कुछ दिन पहले ऐसा देखा जाता था 3-4 साल पहले कि लोगों ने सूरतकल हमारे टाइम पर और वारंगल छोड़कर JNU में एडमिशन लिया। ठीक, अब क्या है कि अब लोग निमसेट के लिए बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग वो और ये अच्छे हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, वो एक कॉमन एग्ज़ाम होने लगा, प्रॉपर वे में हो रहा है। ठीक है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट बीटेक के साथ मिलता है, तो इसलिए टीचर या मेंटर उसको सजेस्ट कर देता है। जब EMC की बात होती है तो निमसेट एज ए मेन एग्ज़ाम है तो फोकस निमसेट पर किया जाता है, तो वो लोग जिनके परसेंटेज नहीं है उन्हें लगता है कि हम पैथेटिक हैं, हम एज ए फॉर्मेलिटी पर तैयारी करें, बिल्कुल आप इस पर फोकस नहीं करें। आपके पास 55% है या उससे ऊपर है, 60% नहीं है, तो आप बिल्कुल भी पेशेंस को बिल्कुल भी हल्का सा भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। है क्या कि निमसेट में जिनके पास निमसेट है वो उतना अच्छे से तैयारी नहीं करते, उतना सीरियस नहीं होते, उन्हें लगता है निमसेट है, ठीक, थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। जिनके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें पता है कि उनके पास निमसेट नहीं है, ठीक है, जब वो तैयारी करते हैं तो उन्हें पता है कि हमें बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करनी है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कम है, तो थोड़ा सीनियर उन्हें रहने की ज़रूरत है भी। अब देखा कि जैसे कि यहाँ पे कोई टॉपर है, अब ध्यान दें, अगर ये टॉपर इसमें है तो वो इसको भी क्वालिफाई करते हैं, देखा होगा आपने, अब क्वालिफाई करते हैं इसको भी क्वालिफाई किया, इसको भी क्वालिफाई किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी क्वालिफाई किया, मगर वो एक ही जगह पर तो ही रहेंगे, उन्होंने एग्ज़ाम में यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो ये सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पर सीट्स जो क्वालिफाई वाले पर्सनस हैं वो क्वालिफाई करने वाले वैकेंट कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास चांस फाइट यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ निमसेट, उसको छोड़ेंगे नहीं वो, ठीक है, तो यहाँ तो वो वैकेंट कर देंगे, और जो अच्छे हैं उनका हर जगह एग्ज़ाम में होगा सिलेक्शन, तो वो छोड़ देंगे, तो चांसेस आपके पास ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी यह सारे पाँच अगर एग्ज़ाम अच्छे अच्छे ले लिए जाए तो पाँचों के सीट्स मिला जाए तो ये भी 250 सीट्स होती हैं, ठीक है, तो अगर आप पेशेंसली काम करें तो आप मूव नहीं कर सकते, जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं, आप ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो जिनके पास 55% है वो सेफ़ हैं, आसानी से तैयारी करते रहे तो उनको भी होगा। ठीक, जो भी इसमें अभी आपको लगता है कि और कोई भी चीज़ डिस्कस करनी चाहिए तो हम लोग बखूबी उस पर अच्छे से एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे,
पास शुरुआत हमने की है, अब ये देखना चाहते हैं कि रिस्पांस कितना आता है। अगर रिस्पांस आपका प्रॉपर आता है, मैंने बोला कि ऐसे रैंडमली, मैं रियल बता रहा हूँ, अभी बस रैंडमली ऐसे खड़ा था, मैंने मुझे लगा कि ऐसे मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, तो अभी हमने चीज़ों को रखा है, उन चीज़ों को रखा है जिनके कॉल फ्रेंकली मेरे पास आते हैं, अभी हमने इस पर रिसर्च नहीं किया है। जब आप रियल में हमसे डिमांड करेंगे तो प्रॉपर वे में हम इस चीज़ को देंगे। तो जो लोग अगर कन्फ्यूज़ हैं और उन्हें लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए, तो आप ज़रूर वहाँ लिखिए और हम लोग अच्छे तरीके से वेल मेंटेन एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देंगे। ठीक, थैंक यू, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, ऐसे आप जुड़े रहिए। तो मावला क्लासेस वो सब कुछ आपको देने का प्रयास करेगी जो आपको चाहिए। ठीक है।